जय श्री राम भाई सारे ने, आज की इस वीडियो में आप अपने कंप्यूटर ने असेंबल करना सिखाएंगे। यो जो मेरे सामने रखा है भाई, ये हमारे सीपीयू का कैबिनेट होता है या फिर बॉक्स होता है। ये भाई SMPS है जो हमारे सीपीयू को पावर सप्लाई करता है। ये भाई DVD राइटर है जो CD और DVD वगैरह को रन करवाता है, उसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं दिखाता है। ये हमारे भाई रैम है। ये भाई SSD है, ये 128 GB की SSD है। ये प्रोसेसर फैन होता है भाई, जो प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है। और ये हमारा भाई प्रोसेसर है, कंप्यूटर का जिसको ब्रेन बोलते हैं। ये भाई हमारे पास आटा साटा केबल्स है। ये है भाई हमारा मदरबोर्ड। ये इसकी पिन पोर्ट्स वगैरह है भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रोसेसर को यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल ध्यान से लगाना है आपको। एक भी पिन वगैरह का टूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से लगाना है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट भाई यही होता है हमारे मदरबोर्ड का कंप्लीट का। इसको लगाने के बाद आपको अच्छी तरह से इसको फिक्स करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फैन लगाना है, जो प्रोसेसर फैन होता है जो ठंडा रखने का काम करता है। इस प्रोसेसर फैन को लगाने के बाद आपको जो ऊपर इसके स्क्रू होते हैं उनको अच्छे से कसना है। ये ध्यान रखना आपको, थोड़े थोड़े सही से अच्छे तरीके कसना है इनको, सही तरह से इसको स्क्रू को सेट करना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसके नीचे प्रोसेसर और पिन है तो उनके टूटने के ज्यादा चांस होते हैं अगर आप इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो। वायर लगने के बाद अब बारी आती है रैम की। अब आपके मदरबोर्ड पे यहाँ पे रैम के पोर्ट मिलेंगे, आपको वहां पे अपने उसमें रैम को अच्छे तरह से फिट करना है। रैम को फिट करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपको जो दोनों सिरे होते हैं रैम के, उनको दोनों तरफ से आपको सेम प्रेस करना है, सेम बल लगाना है। अगर ज्यादा आप इसके साथ छेड़खानी करते हैं तो ये टूटने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब बारी आती है भाई हमारे कैबिनेट में इन सबको लगाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाई अपने कैबिनेट में SMPS को लगाएंगे, जो पावर सप्लायर है हमारा CPU का उसको। अब इसमें हमें इसके स्क्रू को इसको भी लगाना है, अच्छे से टाइट करना है। देखिए हमारा SMPS अच्छी तरह से लग चुका है हमारे CPU में। अब जो हमारा मदरबोर्ड है हम इसको लगाएंगे। देखिए जो मदरबोर्ड की ये आपको पोर्ट दिखती है ना, आपके जो SMPS की जो वायर होती है, एक जो सबसे बड़ी वायर का सेट होता है वो यहाँ पे लगता है और दूसरा वायर का सेट यहाँ पे लगता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपकी जब मैं इसको मदरबोर्ड को आगे फिट करूँ उस टाइम पे इसमें अच्छी तरह से क्लियरिटी में दिखता नहीं है। अब मदरबोर्ड को SMPS में लगाने के बाद इसके अच्छी तरह से नट कस देंगे, हम स्क्रू को सेट कर देंगे। अब ये होते हैं जो हमारे जो कैबिनेट होता है उसकी कुछ वायर्स होती है, जैसे ऑडियो वगैरह की, USB की, उसके ऑन ऑफ बटन वगैरह की, उसकी LED लाइट वगैरह की, तो उनको हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए मैंने ऑडियो की वायर लगा दी, अब मैं यहाँ पे USB की वायर लगाता हूँ। अब मैं ये जो इसकी पावर वगैरह की, LED लाइट वगैरह की है, रिस्टार्ट की है, इसको लगाता हूँ मैं। ये सब लगने के बाद वायर, अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। जो सबसे बड़ी वायर का सेट होता है, देखिए वो मैंने पहले भी बताया था, वो यहाँ पे लगाना है आपको, और जो चार वायर का सेट है वो भी। अब हमारी हार्ड डिस्क में एक वायर ऐसे लगती है और ये आटा साटा ऐसे लगती है। इसको भी मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको अंदर सेट करेंगे तो उस टाइम पे ये ज्यादा अच्छी तरह से क्लियरिटी में दिखता नहीं है। अब हमारी हार्ड डिस्क, जो हमारा ये DVD राइटर है, ये भी लग चुका है। अब इसके हमें नट बिल्कुल अच्छी तरह से इसके भी स्क्रू सेट करने हैं। देखिए लगभग लगभग हमारे कंप्यूटर में सारी चीजें सेट हो चुकी है।
आप एक बार इसको देख सकते हैं ध्यान से, वायर वगैरह सेट है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम लगाते हैं इसमें 128 GB की SSD। उसके लिए इसको यहाँ पे आप कहीं भी आपके जो भी CPU में एडजस्ट करने की जगह है आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी वायर की, सेम इसमें भी वायर लगेगी, एक पावर की और दूसरी साटा या आटा केबल। अब ये लगा दी हमने यहाँ पे। अब इन दोनों जो हमारी आटा साटा केबल्स है इनको हम अपने मदरबोर्ड्स में लगाएंगे। मदरबोर्ड में लगाने के लिए इनकी अलग से पोर्ट होती है। देखिए हमारे कंप्यूटर की सारी वायर्स वगैरह सेट हो चुकी है अच्छी तरह से, आप इसको ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो में आ चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बारी आती है इसके दोनों तरफ से जो इसके ढक्कन होते हैं वे लगाने की। देखिए हमने दोनों तरफ से इसके जो ढक्कन थे वे भी लगा दिए हमने, जो इसके कवर है दोनों साइड के वो दोनों कवर या ढक्कन बोल सकते हो आप लगा दिए हमने, स्क्रू इसके बिल्कुल टाइट कर दिए। देखिए अब बारी आती है इसमें वायर्स लगाने की और इसको चेक करने की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें क्या किया, पावर केबल लगाई यहाँ पे हमने, ये पावर केबल हमारी लग गई। अब ये होती है VGA केबल जो स्क्रीन से CPU को जोड़ती है। अब ये VGA केबल हमने यहाँ पे लगा दी, इसके भी हमने स्क्रू कस दिए, टाइट कर दिए इसको हमने अच्छे से। अब बारी आती है कीबोर्ड और माउस की। कीबोर्ड और माउस हमारे पास USB के है। अब देखिए ये USB जो केबल्स हमने USB पोर्ट्स में लगा दी। अब इसको हम रोटेट करते हैं और जो इसका फ्रंट सिरा है उसको हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। देखिए हमने इसमें पावर बटन दबाया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसमें स्टार्ट हो गया और देखिए आप DVD राइटर में भी इसकी लाइट आ चुकी है। ये देखिए DVD राइटर भी इसका काम कर रहा है।